नमस्ते अहमदाबाद, वेलकम बैक टू आवर चैनल एड्रेस ऑफ चॉइस। मैं हूं आपकी होस्ट दिव्यांशी जायसवाल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैष्णो देवी सर्कल की, जो कि स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है इन बिटवीन एसजी हाईवे एंड अहमदाबाद। ये एरिया मेनली फेमस है वैष्णो देवी मंदिर के लिए, लेकिन क्या ये लोकेलिटी आपके लिए परफेक्ट है? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में वैष्णो देवी सर्कल के प्रोस एंड कॉन्स। Let's start with the pros of Vaishno Devi Circle. Number one, options. अगर आप mid housing home seekers हैं तो ये area आपके लिए gold mine हो सकता है। यहाँ आपको Vaishno Devi Bluebells, Vaishno Devi Sky, Vaishno Devi Heights जैसे कई residential projects मिल जाएंगे। इस वक्त यहाँ का average per square feet price लगभग 5,200 rupees है। Number two, connectivity. वैष्णो देवी सर्कल की कनेक्टिविटी का तो जवाब नहीं। यहाँ से आप एसजी हाईवे, एसपी रिंग रोड दोनों से ही बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस दैट इज AMTS आपको शहर के हर कोने तक ले जाती है, वो भी बिना GPS के। और अगर आप रेलवे या एयर ट्रैवल के शौकीन हैं तो यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हार्डली 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और कोडियार रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। नंबर थ्री, लोकेलिटी। एजुकेशन और हेल्थ केयर की भी सर्विस यहाँ पे फर्स्ट क्लास है। दर्शनम संस्कृत मध्य विद्यालय, SGVP धर्माजीवनम और श्री स्वामी नारायण गुरुकुल जैसे स्कूल अहमदाबाद के जाने माने स्कूल्स में से एक हैं। अब अगर मैं बात करूँ हेल्थ केयर की तो अरिहंत हॉस्पिटल, मेडिक्लेम हॉस्पिटल और आई सर्जिकल्स आर द नियर बाई हॉस्पिटल्स, तो यानी अब डॉक्टर्स के पास भी जाना ईजी है। नंबर फोर, प्रॉक्सिमिटी टू बिजनेस सेंटर्स। जॉब के लिए रोज का कम्यूट भी एसजी हाईवे से बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि HT इंफो सिस्टम्स लिमिटेड, इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजीज और हाइपर लिंक सिस्टम्स जैसे IT कंपनीज यहीं पर है। और नियर बाई एरियाज जैसे कि अंबावाड़ी और वृंदावन में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जो कि वैष्णो देवी सर्कल से 7 to 9 kilometers की दूरी पर ही है। तो सारे प्रोज तो मैंने आपको बता दिए वैष्णो देवी सर्कल के, लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ पर भी ट्विस्ट है। और अब हम बात करेंगे यहाँ के कॉन्स की। सबसे पहला कॉन, ट्रैफिक जाम्स। हाँ, किसी भी अच्छे लोकेशन की ये प्रॉब्लम तो ज़रूर ही होती है, और वैष्णो देवी सर्कल में तो गांधीनगर से लोग रोज अप डाउन करते हैं अपनी जॉब के लिए, तो पीक आवर्स में ट्रैफिक होना तो बनता है। नंबर टू, पार्किंग। यहाँ पर पार्किंग की प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है, क्योंकि आप स्कूल जाओ या किसी शॉपिंग सेंटर, पार्क करने के लिए स्पेस मिलना काफ़ी मुश्किल है, सो दैट इज़ अ कंसर्न। नंबर थ्री, कंस्ट्रक्शन नॉइज। वैष्णो देवी सर्कल इज स्टिल डेवलपिंग, तो यानी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है और ऐसी नॉइज अगर दिन भर आए तो कितना गुस्सा आता है, आप खुद सोचो। तो इट इज़ अ बिग कंसर्न, यू शुड कीप दिस इन माइंड। नंबर फोर, वाटर इश्यूज। वैष्णो देवी सर्कल में कभी कभी पानी का मसला भी हो जाता है, यानी कि टैप वाटर अगर आपके मुंह में चला गया तो आपको लगेगा कि ये मैंने क्या पिया है, दैट इज़ अ कंसर्न। और आपको ड्रिंकिंग वाटर के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लान करके रखना पड़ेगा। नंबर फाइव, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज। वैष्णो देवी सर्कल के रेसिडेंसेज ने कई बारी कंप्लेन किया है कि यहाँ पे लाइट बड़ी जाती है गर्मी के दिनों में। एक तो ऑलरेडी अहमदाबाद में गर्मी बहुत पड़ती है और उस पर से अगर लाइट भी ना हो तो कितना दिमाग खराब होगा, आप खुद सोचो। तो दोस्तों, ये थी वैष्णो देवी सर्कल की कहानी। एक तरफ बेहतरीन कनेक्टिविटी और रेसिडेंशियल ऑप्शन है, तो दूसरी तरफ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पार्किंग की इश्यूज, पानी का इशू और यहाँ तक कि नॉइज पोल्यूशन। अब इसमें आप परफेक्ट बैलेंस कैसे खोजते हो, ये आप पर है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपको अपने ऑफिस के पास रहना है तो वैष्णो देवी सर्कल आपके लिए एक ब्रिलियंट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वहीं अगर आपका बिजनेस है या फिर आप बहुत बड़ी फैमिली के साथ रहते हो तो ये डे टू डे वाली प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत परेशान कर सकती हैं आपको, तो सोच समझ के कदम उठाना।
और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप मैं आपको अच्छे से लोकेशन के बारे में बता पाई होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में मैं किस लोकेशन के बारे में बात करूँ। मिलूंगी मैं आपसे अगले एपिसोड में। बाय।